दोस्तों, हमारी यात्रा बहुत छोटी है। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारी यात्रा बहुत छोटी है। कि हम में से प्रत्येक को ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में हमारा समय इतना कम है कि इसे बेकार तर्कों, ईर्ष्या, दूसरों को क्षमा न करने, असंतोष और बुरे व्यवहार के साथ व्यर्थ करना समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी है। क्या किसी ने आपका दिल तोड़ा? शांत रहिए, यात्रा बहुत छोटी है। क्या किसी ने आपको धोखा दिया, धमकाया या अपमानित किया? आराम करें, तनावग्रस्त ना हो, यात्रा बहुत छोटी है। क्या किसी ने बिना वजह आपका अपमान किया? शांत रहिए, इसे नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि यात्रा बहुत छोटी है। क्या किसी ने ऐसी टिप्पणी की जो आपको पसंद नहीं आई? शांत रहें, नजरअंदाज करें, क्षमा करें, उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में रखें और बिना किसी कारण के उन्हें अभी भी प्यार करें। यात्रा बहुत छोटी है। कुछ लोग जो भी समस्याएं हमारे सामने लाते हैं, वह समस्या तभी होती है जब हम उन पर विचार करते हैं। याद रखें कि हमारी एक साथ यात्रा बहुत छोटी है। हमारी यात्रा कितनी लंबी है ये कोई नहीं जानता, कल किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि हम अपने पड़ाव पर अचानक कब पहुंच जाएं। हमारी एक साथ यात्रा बहुत छोटी है। आइए हम दोस्तों और परिवार की और अपने आसपास के लोगों की सराहना करें और उनका सम्मान करें। हम उनको आदरणीय भाव दें। हम स्वयं दयालु, प्रेममय और क्षमाशील बने। हम वास्तव में कृतज्ञता और आनंद से भर जाएंगे। हर किसी के साथ अपनी मुस्कान साझा करें। जिंदगी ऐसे ना जिए कि लोग फरियाद करें, बल्कि जिंदगी ऐसे जिए कि लोग फिर याद करें। क्योंकि हमारी यात्रा बहुत छोटी है। हमारी यात्रा बहुत छोटी है।